हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बघेल फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ गुंजन और अभी बज रहे हैं दिन के 1 और सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा बहुत काम बचा है मेरा, मतलब काम क्या बचा है, सामान रखना है जो कल निकला था। वो थोड़ा बहुत सामान बाहर अभी भी पड़ा हुआ है, चूड़ी है, मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, वो सब अंदर रखनी है। और रूही अभी पपीता खा रही है, फ़ोन देख रही है। और मयंक अपनी एक्टिविटी पूरी कर रहा है। तो मैंने सोचा करवा चौथ वाली वीडियो जो है बाद में अपलोड करती हूँ, पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को अभी बताऊँ कि नहीं बताऊँ, वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो खुशखबरी क्या है, वीडियो मतलब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना। देखो फ्रेंड, हम मस्ती कर रहे हैं दोनों, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा ठीक फील कर रही है, तो इसकी चालू है इसकी। और मंदिर में हो रही है पूजा, पूरे दिन में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई है, मन नहीं किया, लेटे हुई थी मैं रूही के साथ ही, नींद तो आई नहीं पर उठने का भी मन नहीं हो रहा था, ऐसी हालत हो रखी थी। मयंक का तो पूछो मत, टाइम पास कर रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है पढ़ाई करने बैठा है लेकिन कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सारा का सारा अनकम्प्लीट है। हर मतलब 4 एक्टिविटी थी वो अनकम्प्लीट ही है, शायद 1 कम्प्लीट हुई है। दो कंप्लीट हो गई हैं, 2 अनकंप्लीट हैं, और स्कूल का होमवर्क जो आता है वो भी अनकंप्लीट ही है। और रूही तो खैर परेशान थी, बीमार थी, इसलिए उसने होमवर्क नहीं किया, कल कराऊंगी। और लाइट कम है और अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए हम थोड़े से ऐसे ही दिख रहे होंगे। मेरे डार्क सर्कल कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और मैंने अभी नाक का भी नहीं पहना अपना, कल वो नथ पहनी थी वो उतार दी थी, और सुबह उतारी थी क्योंकि वो बार बार मतलब हाथ मेरा फिर वहीं पे जा रहा था उसे सही करने के चक्कर में, तो पहनी नहीं मैंने, सुबह उतार दी, अब दूसरी पहनी नहीं। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयंक और दिन है आज मंगलवार और शाम के बज रहे हैं 6। कल मम्मी ने बस थोड़ी वीडियो बनाई थी, उसके बाद उनका मन ही नहीं किया, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आजकल रूही को बहुत नींद आ रही है, ये दिखाता हूँ। और मैंने अभी अपना काम कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, कल वीडियो बनाई थी उसके बाद उनका वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, नज़र लग गई है, पता नहीं क्या है। कल रात को पापा जी ने मम्मी की नज़र उतारी थी, शायद आज भी उतारेंगे। अभी मम्मी किचन में दूध निकाल के लाई हैं, उसमें से मलाई निकाल रही हैं, ये वही मम्मी। फ्रेंड्स, अभी हमारे गली के मंदिर में हो रही है पूजा, और पता है क्या दिखाता हूँ, हमने सुबह वाला भोग नहीं उतारा और शाम की पूजा का वक्त हो गया तो अभी मैं पूजा करूँगा, और पीछे मम्मी कपड़ों की तय कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार, मंगलवार की भी शाम हो चुकी है, ना तो मंडे को मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई, ना ही आज ट्यूसडे को कुछ रिकॉर्ड कर पाई। एक्चुअली अंदर से मन ही नहीं हो रहा है कि कुछ कर लूँ, पूरे दिन लेटे लेटे हो गया दोनों दिन, पर कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। मथुरा से आए तब से बैग यूँ ही लगे रखे हैं, सोच रही थी कि उनमें से सामान निकाल के रख दूँ, पर उन्हें भी करने का मन नहीं हो रहा है। और करवा चौथ वाला सामान भी अलमारी में यूं ही फैला पड़ा है, सोच रही थी उसे भी कर दूंगी लेकिन वो भी यूं ही पड़ा है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, मन सा हट गया, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, नज़र सी लग गई है।
कल महेंद्र जी ने नज़र उतारी थी तब जाके कहीं मैंने जैसे तैसे खाना बनाया था, और आज भी खाना बनाने के बाद से मेरी दिन में यही हालत है। मतलब आलस आलस आ रहा है, नींद से आ रही है लेकिन सो नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। और रूही को भरपूर नींद आ रही है, उसको अभी भी जगाते जगाते थक गए हैं मैं और मयंक, लेकिन देखो अभी भी ऐसे लेटी हुई है। मंदिर की पूजा, गली में मंदिर है उसकी भी पूजा हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये नहीं उठी है। अब घर की पूजा करेंगे, मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप सब लोग बताना कि आपकी करवा चौथ की पूजा कैसी रही, किस किस ने कैसे कैसे चांद देखा। मैंने तो अपना बता ही दिया था वीडियो में कि व्हाट्सएप के थ्रू मैंने चांद देखा था और तब व्रत तोड़ा था अपना, और नोज़ पिन मैंने अभी तक नहीं पहनी। मैंने बताया ना कि मेरा मन ही नहीं हो रहा कुछ करने का, तो इतनी भी मेरे मतलब हिम्मत नहीं हो रही है कि नोज़ पिन निकाल के पहन लूँ, जबकि वो इस डिब्बे में ही पड़ी है। सोचो इस डिब्बे में ही पड़ी है, फिर भी मेरी इतनी वो नहीं हो रही कि मैं निकाल के पहन लूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इन्हें उतार के रख दूँ। बताओ क्या क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी शाम को मतलब लेटी हुई थी रूही के साथ ही, और अभी 5:45 बजे जगी, दूध निकाल के रखा है, फिर मैंने फ्रिज से मलाई वलाई निकाली है दूध में से। इसने अपने स्कूल का काम कंप्लीट किया है, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत रह रहा हो, इसका भी मैंने 2 दिन से नहीं देखा ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कल मैं बता रही थी आपको शाम को कि इसने एक्टिविटी भी अधूरी छोड़ी हुई थी और काम भी अधूरा छोड़ा हुआ था, तो एक्टिविटी तो इसने सुबह कंप्लीट करके पापा जी को दे दी, उन्होंने सबमिट करा दी होगी स्कूल में। होमवर्क की नहीं पता मुझे कि इसने कंप्लीट किया है नहीं किया है, बाकी रूही का तो कंप्लीट नहीं हुआ, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, मुझे आलस आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज भी जो है मैं नज़र उतरवाऊंगी महेंद्र जी से अपनी, तब देखती हूँ कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। अगर फ़ायदा मिल गया नज़र उतरवाने के बाद तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कुछ डॉक्टर से सलाह मशवरा किया जाएगा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यही थी मेरे मन की बात, आप सब लोग भी अपने मन की बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ना जानते हो तो शायद ये सोचते हो कि कमेंट करने के पैसे लगते हैं, तो भाई कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते। आप वीडियो देखिए, वीडियो रोक के कमेंट कर दीजिए या वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिए, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं। ये उन्हें बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता है, या सोचते होंगे घबराते होंगे कि कहीं हमारे पैसे ना कट जाएं, कहीं हमारा नो लगता है, बहुत से लोगों को डर लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, फिर धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लग गया। ये मैं 4-5 साल पहले की बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब देखना शुरू किया था तब की बता रही हूँ, कि मेरे को डर लगता था कि कमेंट करूँगी तो कहीं मेरे पैसे तो नहीं कट जाएंगे, कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके की बात। ठीक है, तो मन में जो बात आया करे कमेंट में बता दिया करो, अच्छी लगे वीडियो तो भी, खराब लगे तो भी, मेरी कुछ बात गलत लग रही है वो भी, अच्छी लग रही है वो भी। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। तो हमारा जो दूसरा चैनल है गुंजन सिंह के नाम से, उस पर हमने एक वीडियो डाली थी मेरी और मयंक की थी, तो उस वीडियो पे 4 दिन में 30,000 से ऊपर व्यूज़ मिले हमें, और सबसे ज़्यादा वॉच टाइम भी हमें उसी से मिला है। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि मतलब इतने सारे लोगों ने हमें देखा है, और समथिंग 750 लाइक मिले हैं हमें, तो मतलब खुशी अच्छी लग रही है। मतलब जितनी तरक्की हमें इस चैनल पे नहीं मिली है वो हमें 4 दिनों में दूसरे चैनल पे मिल गई है। तो मैं ये उम्मीद करूँगी आप सबसे कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आगे बढ़ने की खुशी क्या होती है आप सब अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे भी आगे बढ़ाइए और मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। और मेरा सेकंड चैनल जो है गुंजन सिंह के नाम से, मैं मयंक और रूही अपने शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इस पर लिंक वगैरह मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए नहीं कर पाऊँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो का एंड मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ खास तो क्या नहीं है, ना कल ना आज ना अभी भी मन हो रहा है,
तो वीडियो का एंड अब मैं कर देती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और न्यू फ्रेंड्स हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।